मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन. इन आवर प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी स्टार्ट दिस चैप्टर. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड इन दिस क्लास आई विल डू मल्टीप्लाई क्वेश्चन, 4 डिजिट नंबर क्वेश्चन बाय 3 डिजिट नंबर. सो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना. अगर सिंपली इस तरीके से नंबर है तो इस तरीके से हम उनको करेंगे. और 8758 मल्टीप्लाई बाय 392. सो इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन. सबसे फर्स्ट हम इस वाले नंबर जो ये नीचे नंबर है उसको वन बाय वन हर एक डिजिट से वन स्टैंड्स 100 and 1000 फेस वैल्यू वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसको वन को पहले करेंगे वन से मल्टीप्लाई, वन वन सा वन एंड देन वन की टेबल हम 3 टाइम्स करेंगे. टेंथ प्लेस पर कौन सा नंबर है 3, तो 1 3 सा 3 एंड देन 1 2 सा 2, 1 4 सा इनसे हो गया. इस नंबर से होने के बाद 1 से होगी ये चीज़. कम टू द नेक्स्ट लाइन, मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे. यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ पे वन टाइम मल्टीप्लाई साइन. सेम इस नंबर के साथ करेंगे, हर एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. पहले वन प्लेस वैल्यू नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 2 की टेबल 3 टाइम्स, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 2 4, 2 की टेबल 4 टाइम्स, 2 4 8. अब जैसे जैसे लाइन्स हम दूसरी नेक्स्ट लाइन में जाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई साइन क्या होंगे इंक्रीज होते जाएंगे. 1 टाइम एंड देन 2 टाइम्स. सेम इस नंबर के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर जो था वो 1 को सब नंबर से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 1 को सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा. तो यहाँ लिख देते 1 3 2 and 4 ही आएगा. एंड देन तीनों नंबर को प्लस करेंगे. 1 का 1 एज इट इज, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 1 9, 4 4 8, 8 प्लस 3 11, 1 carry 1, 8 प्लus 1 9, 9 10 11 11 1 carry 1 and then 5. सो दिस इज द आंसर. ये तो इजी सा क्वेश्चन था. अब इसको देख लेते हैं. इस नंबर को पहले इससे करेंगे, इससे फिर इससे फिर इससे, ठीक है. 2 को करेंगे सबसे फर्स्ट किससे करेंगे. देखो आप देखो वन स्पेस पर कौन सा नंबर है 8, तो 2 की टेबल कितने टाइम्स काउंट करेंगे 8 टाइम्स, 2 8 16. अब आपको ध्यान रखना है कभी भी जो लास्ट नंबर है लास्ट डिजिट है उसको यहाँ लिखनी है, आगे वाले नंबर को हम नेक्स्ट नंबर पर ही कैरी लगाएंगे, ठीक है. 2 8 हो गया. अब 5 का टर्न आएगा ना, 8 के बाद किसका टर्न आएगा 5 का. तो इसी नंबर को 8 5 से करेंगे. अब 2 को 8 से किया, 2 को किससे करेंगे 5 से. 2 5 10, टेबल्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए. 2 5 10, 10 प्लस कैरी 1 11, 1 यहाँ लिखो आगे वाले 1 की कैरी. 8 से कर दिया, 5 से कर दिया, अब किससे करेंगे 7 से. 2 7 14, 14 प्लस 1 15, 5 carry 1. 2 8 16, 16 plus carry 1 17, ओके. देन पुट द मल्टीप्लाई साइन. 9 की टेबल 8 टाइम्स, 9 8 72. अब टेबल से लर्न नहीं हुई तो प्रॉब्लम आएगी, पेंट होगी. सो अच्छे से टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है. 9 8 72, 2 यहाँ 7 कैरी. 9 5 45, 9 को 8 से किया, 9 को 5 से करेंगे. 9 5 45, 45 plus carry 7, 7 plus करेंगे 52, 2 यहाँ 5 कैरी. 9 7 63, 63 plus 5 carry 68 का 8 carry 6. 9 8 72, 72 plus carry 6 78. अब यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा मल्टीप्लाई साइड 2 टाइम्स. 3 को पहले करेंगे 8 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 8 से. 3 8 24, 24 कैरी. 3 5 15, 15 16 17, 7 carry 1. 3 7 21,
21 + 1 = 22 का 2 कैरी 2 3 8 = 24 + 2 = 26 लास्ट में एंड में प्लस कर लेंगे 6 का 6 1 + 2 = 3 5 + 2 = 7 7 + 4 = 11 11 का 1 1 कैरी 1 + 7 = 8 8 + 8 = 16 16 + 7 = 23 2 + 1 = 3 3 + 8 = 11 11 + 2 = 13 8 + 6 = 14 ये एडिशन तो सबको आते ही है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दी है। ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है वन बाय वन डिजिट से। एंड देन कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम में एक साथ क्वेश्चन आएंगे डिवीजन चैप्टर और मल्टीप्लीकेशन, तो किसमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें डिवाइड करना है, कैसे पहचानते हैं। तो जब भी आपको गिवन करनी हो, ज़्यादा की वैल्यू गिवन करनी हो, मतलब गिवन वन की वैल्यू गिवन हो और ज़्यादा की फाइंड करनी हो आपको, जैसे प्राइस ऑफ वन स्कूल बैग इज़ दिस एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 35, कुछ भी हो सकता है नंबर। सो मल्टीप्लाई करने पर बड़ा आंसर आता है, तो अगर आपको ज़्यादा नंबर का आंसर फाइंड आउट करना है तो क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी ऐसे क्वेश्चन पे। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ वन ट्राइसाइकल इज 2352 कॉस्ट ऑफ वन ट्राइसाइकल एक ट्राइसाइकल की कॉस्ट गिवन है यहाँ पे, जो भी है 2352 है ना। एंड फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 396 ट्राइसाइकल की। ठीक है, कितनी ट्राइसाइकल की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा का आंसर फाइंड करना है। वन की वैल्यू गिवन है, वन ट्राइसाइकल की वैल्यू गिवन है, ज़्यादा की आंसर फाइंड करनी है। सो हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन। सो अबाउट इज 28 लीटर पर डे, यानी एक गाय है, एक काऊ है, वो क्या है, मिल्क कितना देती है हर दिन। पर डे का मतलब वन डे में वो मिल्क जो देगी वो देगी 28 लीटर। फाइंड करना है 365 डेज में कितना लीटर मिल्क देगी, तो उसको उसके लिए भी आपको क्या करना है, ज़्यादा तो फाइंड करना है। वन डे में वो 28 लीटर देती है हर एक दिन का, 365 डेज का फाइंड करना है, ज़्यादा का फाइंड करना होता है, आंसर मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही क्रिकेट स्टेडियम है, 446 रो है, नंबर ऑफ रो कितनी है, एक क्रिकेट स्टेडियम में नंबर ऑफ रो है वो 446 है, और जो और हर एक रो में 446 तो रो है, और हर एक रो में कितनी है सीट्स, कितनी है सीट्स है 295। तो यहाँ फाइंड करनी है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द स्टेडियम, रो इतनी बनी हुई है, हर एक रो में इतनी सीट है, तो 446 रोज में कितनी सीट्स होगी, तो मल्टीप्लाई करोगे आप इस क्वेश्चंस में भी, है ना। और मल्टीप्लाई मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है। सो स्टूडेंट आपको बस ध्यान रखना है, जब आपको वन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में और आपको ज़्यादा का फाइंड आउट करना है आंसर, मल्टीप्लाई करने पर भूलना नहीं है, बड़ा आंसर आता है, ज़्यादा में भी आपका आंसर बड़ा ही आएगा, सो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और वन का आंसर फाइंड करने पर आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, एंड इन आवर टुमारो क्लास आई विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर डिवीजन। सो इनकी प्रैक्टिस आपको रफ कॉपी में करनी है, डोंट डू दिस वर्क इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू।